आज हम जीवन की इस भाग दौड़ में मन को शांति प्रदान करने वाली एक बुद्ध की कहानी सुनते हैं, जो हमें जीवन जीने का महत्व सिखाती है। कहीं बहुत समय पहले अग्रकरी नामक एक गांव था, जो हिमालय की शीतल चादर से ढका हुआ था। इस छोटे से गांव में एक सुंदर मंदिर था, जो बुद्ध को समर्पित था। गांव वाले इसे अपने जीवन का मूल्यवान स्थान मानते थे। एक सुखी और शांत जीवन जीने वाला साधु गांव में आया। उसका नाम धर्ममित्र था और उसने अपना जीवन ध्यान और भिक्षाटन में समर्पित कर दिया। गांव वालों ने उसे उनके मंदिर में आश्रय देने का निर्णय किया और उसके साथ अपनी संस्कृति और धरोहर को साझा करने का निर्णय लिया। एक दिन गांव के एक सिद्धार्थ नामक युवक ने धर्ममित्र से मिलन का आह्वान किया। सिद्धार्थ ने अपनी चिंताएं और जीवन के संघर्षों को बांटा और उन्हें सुनकर धर्ममित्र ने उसे बुद्ध के उपदेशों की ओर प्रचुर ध्यान देने का आशीर्वाद दिया। एक दिन गांव की सभा में धर्ममित्र ने सिद्धार्थ को बुद्ध का उपासक बनाने का प्रस्ताव रखा। सभा ने इसे स्वीकार किया और सिद्धार्थ को गांव का धार्मिक नेता बनाया। सिद्धार्थ ने यह स्वीकार किया, लेकिन उसकी मन में एक सवाल था, धर्म क्या है और मैं उसे कैसे जीवन में अपना सकता हूँ। वह आत्मज्ञान के खोज में निकल पड़ा और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने शिष्यों को शांति, करुणा और सहिष्णुता की ओर मार्गदर्शन किया। उसका संदेश था कि सत्य, अहिंसा और मेता के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को ज्ञान की ओर ले जा सकता है। सिद्धार्थ, जो अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ गांवों और नगरों का चक्कर काटते हुए भिक्षाटन और बुद्ध का प्रचार प्रसार किया। उनका संदेश था कि सभी जीवों के साथ सद्भाव बनाए रखना चाहिए और शांति और समृद्धि का मार्ग अहिंसा और सहिष्णुता में ही है। बुद्ध के शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में समा गईं और उन्होंने सभी को एक साथ जीवन का महत्व समझाया। नमो बुद्धाय।